है भाई ये अपनी पहले, दुकान की, ये वकार की मोहर लगी हुई है, और धार भी देख लेते धार भी आप देख लें, ये हैं, ये देख लेते हैं, ये पाइप भी काट देख, रहे आप ऐसे हाथ लगाएं, आप हैं, पूरा हाथ लगाएं, मतलब सेम क्वालिटी है, कहीं से बड़ा बिल्कुल। थोड़ा नहीं है और इसकी ये। गारंटी है, तो सबसे पहली मार्केट ये है, इससे पहले कोई मार्केट नहीं थी। एक वैरायटी ये है, इसके भी पैसे जो है कम है, उनके भी जो ये देखो मुनासिब है, भाई कम से साहब कम क्या भी है। अरे एक वैरायटी ये है। ये जो है गाय की जिबा करने की, आप इसे उसकी करें, काम की मतलब ये छुरी बिल्कुल है, ये जंबो देखिए आप साइज छुरी इसकी है। क्वालिटी, इसका मैार वो एक, और ना ही जानवर को तकलीफ होगी। ये बहुत कामयाब छुरी चल रही है, लेकिन ये राहत वालों की छुरी है, ये ये देखिए। देखो भाई आज से कुछ 70 साल पुरानी हमारा ये शॉप का, तकरीबन 65 से 70 साल हमारे दादा के जमाने से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। हमारे पास सबसे स्मॉल साइज जो घरों में लोगों के पास नॉर्मली यूज करते हैं, जो घरों के लिए ले आते हैं, क्वालिटी हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, जो कीकर की लकड़ी, कीकर की लकड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये साइज होता है, इसकी प्राइस तकरीबन अक्सर आ जाती है 1000 से 1100 रुपए तक की आती है, ठीक है। ये नॉर्मल साइज है, ठीक है ना, इससे भी बड़ा साइज हमारे पास होता है। ये तो मतलब आपको दिखा रहा हूँ कि सब में बेहतरीन छुरी ये चीज होती है, ऊँट के निहारे के लिए। ये हल्की नहीं है, हैवी ड्यूटी है। हल्की में क्या होता है, ऊँट को निहारा करते हैं, मुड़ जाती है, तकलीफ भी हो। टाइगर का छुरा इसको किचन नाइफ चॉपर कहते हैं, इस पे आप बकरे का भी काम कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी में बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, चले भाई बकरा ईद की आमद आमद है और हम इसीलिए पहुंच गए हैं ईदगाह मार्केट पे, जहां पे आपको बकरा ईद में जानवर से रिलेटेड जितने आइटम्स हैं यहां पे सब आपको मिल जाएंगे। इसमें छुरियां और अंगेठियां और ये सीखे पकाने वाली जो मशीन होती हैं, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। वैरायटी हमारे पास कुर्बानी बकरे के लिहाज से सब चीज़ होती है। जिबा की छुरी होती है, खाल वाली छुरियाँ होती हैं, गोश वाली होती हैं, एक से एक वैरायटी छुरे होते हैं, सीखे होती हैं, सीख बनाने की अंगीठी होती है, बारबेक्यू की बिट होती है, ग्रिल होती है, मुर्गियाँ होती हैं, कीमे की मशीन, और आपको मिल जाएंगी काफी वैरायटी मिलेगी। स्टैंड होता है सीख रखने का, कबाब के चूल्हे, फिर प्लस ये जो आप देख रहे हैं ये गैस वाली अंगीठी है, गैस प्लस कोयला जी। और हमारे जो दुकान का एड्रेस है वो जामा किला सेमेजिना रोड, सैयद कुतुब आलम शाह बुखारी के मजार वाली गली में फर्स्ट कॉर्नर की दुकान है, मलक मोहम्मद असलम एयर एंड के नाम से। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी दुकान का एड्रेस है। सबसे पहली शॉप ये जिबा की छुरी होती है, जो जिबा की छुरी सब में अच्छी रखनी पड़ती है, ताकि जानवर को अजियत ना हो और पता ना चले कि कब उसमें तकबीर हो गई है, अल्लाह की राह में कुर्बान। उसके बाद फिर खाल वाली छुरी होती है अच्छी वाली, तो ये इस्तेमाल करते हैं। प्राइस भी बता दें ताकि जो फाइनल प्राइस हो। ये जो मेरे हाथ में छुरी है ना, ये अच्छी क्वालिटी है, ये आपको पड़ेगी 750 रुपए होलसेल रेट के अंदर, फुल फाइनल प्राइस। अपने पास बाइबलिंग होती ही नहीं है। ये तकबीर वाली छुरी है, अच्छी वाली क्वालिटी की, हमारी अपनी कंपनी की, ये पड़ेगी 1000 रुपए। अच्छा, खाल वाली छुरियां भी स्टार्ट है जी, बिल्कुल। अब ये है जेड बी के की, ये पड़ेगी 350 की। इसमें सस्ती वाली भी है, 200-150 वाली भी है, कम रेंज की भी है। कम रेंज की, ये हमारा छुरा है अपना बना हुआ, पक्का कमाने का छुरा होता है, हमारी अपनी मोहर है मलक के नाम से। अगर ये धार बैठ जाए तो छुरा रिटर्न है, तैयार पीस होता है, बिल्कुल जाए और इस्तेमाल करें। पत्थर मेला जी वजन से बेचते हैं, 600 रुपए किलो, बस लिखे हुए होते हैं सब कुछ करके भाई इतने गए, ताकि आसानी रहे। अब एक पीस ले को या क्वान्टिटी में ले, हमारा होलसेल का काम है। ये छुरी रेती की होती है, जो नॉर्मली कमलदारी में यूज करते हैं, खाल के प्याज जाती है। हमारे पास ग्रिले भी होती हैं, बारबेक्यू ग्रिल है, कमर्शियल ग्रिल है, और हाउस के लिए चाहिए तो बैक पे लगी हुई है व्हाइट वाली, वो भी होती है। ये फर्स्ट जो ग्रिल लगी हुई है ना, ये अच्छी क्वालिटी में हैवी आपको पड़ेगी 450 रुपए की, हैवी ड्यूटी में बनी हुई है। इसी तरह 500-100 रुपए के हिसाब से फर्क है, छोटी बड़ी पे बड़ी होती चली जाएंगी। और फिर ये कीमा मशीन है, 1200, 1500, 1400, कुछ 2000, सब में छोटी साइज का नंबर होता है, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, कमर्शियल में फिर 22 नंबर, 32 नंबर, ये था मार्केट से तो अच्छे रेट पे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, ये होलसेल का काम है आपका। और ये सीखे हैं फिर बारबेक्यू की, कबाब की, घरेलू टिक्के की, बोटी की, 150 रुपए दर्जन है, 250 रुपए दर्जन है, 400 रुपए है, 500 रुपए है। ये इतनी बड़ी जो मशीन है ना, ये है पकवान वालों की, किचन वालों की, हैवी ड्यूटी मशीन है, ये आपको पड़ेगी 3500 रुपए जी। ये वाली पड़ेगी आपको 2200 रुपए की, अच्छी वाली, अच्छी वाली। ये बारबेक्यू की मीठी है, अच्छी वाली है, सबसे छोटी जो है ना, ये होलसेल प्राइस है 1600 रुपए, 1800 रुपए जिसका आपका हाथ है, ये पड़ेगी 2000 रुपए। इसके बाद जो 2200 फिर पड़ेगी 2400 रुपए। साइज बाय साइज है, 1.5 फीट, 1.25 फीट, 2.5 फीट, 1.25 फीट। ये तो कमर्शियल काम की है, ये पड़ेगी आपको 6000 रुपए की। भाई जान ये आपको दिखा रहा हूँ, सब में बेहतरीन छुरी,
ये चीज होती है ऊँट के निहारे के लिए। ये हल्की नहीं है, हेवी ड्यूटी है। हल्की में क्या होता है, ऊँट को निहारा करते हैं मुड़ जाती है, तकलीफ भी होती है। और इसमें जी और फिर प्लस इसके अंदर आपको एक वीआईपी और चीज दिखाते हैं, यूनिक में आ जाता है लेकिन है हेवी ड्यूटी, टाइगर का चूरा, इसको किचन चोपर कहते हैं। इस पे आप बकरे का भी काम कर सकते हैं, हेवी ड्यूटी में बना हुआ है। इसकी क्या प्राइस? ये भाईजान ये आपको होलसेल में पड़ेगा 2000। और प्योर स्टील ये ऊँट वाली, वो उसकी क्या प्राइस होगी? वो भी आपको मिलेगी जनाब 2000। बिल्कुल बेहतरीन। ये इसकी छुरी को इस्तेमाल करने से पहले पत्थर लगाना जरूरी होता है, धार का पत्थर जो लाल पत्थर कहलाता है। एक अच्छा, वेट के हिसाब से होता है क्या? जी वेट का हिसाब होता है। ये पड़ेगा आपको 180 रुपए किलो। जी एक नंबर पत्थर, पत्थर की भी हमारी गारंटी है, धार ना लगाए तो रिटर्न है। अच्छा। जी चले वैसे माशाल्लाह से वैरायटी तो। और एक ये रॉड होती है, ये भी जरूरी होती है। अच्छा पत्थर वाली भी और ये पत्थर वाली भी इस तरीके से इस्तेमाल करने से पहले उसको ऐसे लगाना पड़ता है तो छुरी तैयार होती है। जी जी बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा होगा शॉप का और नाम भी वीडियो में है, तो आप इधर विजिट जरूर करें, ईदगाह मार्केट है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चले भाई ईदगाह मार्केट में हम मुड्डियों की एक शॉप पे आ गए हैं। मुड्डियाँ हैं जिनको आम जबान में खोखा भी कहते हैं, तो हम अंदर जाके इनसे प्राइसेस पूछते हैं और ये पूछते हैं कि ये सिंगल पीस में देते हैं या फिर केजी के हिसाब से। मुड्डियों की शॉप के ऑनर हमारे साथ हैं अरुण भाई, अरुण भाई से मुड्डियों की डिटेल पूछते हैं और ये पूछते हैं ये दुकान कितनी पुरानी है। वालेकुम अस्सलाम भाई, अपने बारे में बताएं और अपनी शॉप के बारे में बताएं। हमारी शॉप का जो है आज से कुछ 70 साल पुरानी हमारा ये शॉप का, तकरीबन 65 से 70 साल हमारे दादा के जमाने से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं, ये मुड्डियाँ बेच रहे हैं और आज भी हमारा सिलसिला इसी तरह चल रहा है नस्ल बाई नस्ल के हिसाब से। पहले हमारे दादा थे, फिर वालिद, आज हम बैठे हुए हैं ये काम कर रहे हैं। तो अलहमदिल्ला ये के जी के हिसाब से देते हैं क्योंकि हमें के जी के हिसाब से माल आता है, तो हम उस हिसाब से इसको जो हमारा मार्जिन प्रॉफिट होता है उस हिसाब से हम रखते हैं, बेचते हैं। माशाल्लाह हर तरह से होती है, जैसे घरेलू लोग आते हैं और जैसे आते हैं जो कहते हैं कि यार हम लोगों ने यार जानवर काटने आने हैं, जो प्रोफेशनली होते हैं, हाँ आर्टिकल होता है इस तरीके बहुत आते हैं, वो लेके चले आते हैं। हमें हर तरह के साइज जैसे चाहिए होते हैं तो मिले जुले हर तरह का अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का साइज का माल होता है जो हम सीजन पे भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो आम दिनों में हमारा 12 महीने की रूटीन में जो होता है जो दुकानदारों को आता है वो भी माल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होता है। सबसे पहले आपको ये दिखाना चाह रहे हैं हमारे पास सबसे स्मॉल साइज जो घरों में लोगों के पास नॉर्मली यूज करते हैं, जो घरों के लिए ले आते हैं। क्वालिटी किस तरह की? क्वालिटी हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है जो कीकर की लकड़ी होती है, कीकर की लकड़ी होती है। हाँ कीकर की लकड़ी होती है अमूमन जो सालों साल से चलती आ रही है और अभी तक ये मुड्डी जो है हमारे पास जो घरों में आमतौर पे यूज होती है। हाँ ये घरों में यूज होने वाली है जो घर वाले ले जाते हैं कि यार हम घरों में गोश्त वगैरह या कीमा बनाना है या बोटी करनी है उस हिसाब से ले जाते हैं, बारबेक्यू के हिसाब से होते हैं बोटियां बनानी है करनी है तो इस तरह से ले जाते हैं। हाँ अब इसका जो प्राइस होता है, हाँ बेसिकली हमारे पास मार्केट में और भी लोग बेचते हैं जो मतलब सीजन लगाते हैं, हम लोग तो 12 महीने बेचते हैं, हमारे माल की क्वालिटी होती है तो हमारा और जगह से हिसाब से माल हाँ कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम प्लस कॉम्पिटिशन में जो है हम मार्केट से मुकाबला करते हैं क्योंकि हम 12 महीने काम कर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। तो मार्केट में अगर मिसाल है कि 80 रुपए किलो है, हमारी कोशिश होती है हम 70 रुपए किलो में है छोटा हाँ डिस्काउंट करके माल निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास माल बहुत होता है। अंदाजन इसकी प्राइस है 6 से 7 किलो होती है, 7 किलो हो गए 450 से 500 रुपए तक की आ जाती है, ठीक है ना। अब एक नॉर्मली सीजन में जो लोग इस्तेमाल करते हैं जो जानवर वगैरह काटने आते हैं जो शौकी अपना माल काटते हैं अब वो ये हमसे ले आते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये साइज होता है, इसकी प्राइस तकरीबन अक्सर आ जाती है 1000 से 1100 रुपए तक की आती है, ठीक है ना। और इसका जो है हम 100 रुपए किलो होता है ये वाला, ठीक है ना, लेकिन फिर हम डिस्काउंट करके इसको 90 रुपए किलो में परचेज कर देते हैं, हम बेच देते हैं इसको इस तरीके से। आप यहाँ अंदर आ जाते हैं तो मैं आपको और अंदर दिखाते हैं, वैरायटी तो माशाल्लाह से भरपूर वैरायटी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ अभी ये बड़ी मुट्ठी आपको दिखाते हैं, ये भी है,
ये नॉर्मल साइज है, ठीक है ना, ये और बड़ा साइज है। हाँ ये, हाँ ये भी है, इससे भी बड़ा साइज हमारे पास होता है। ये तो मतलब आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपको दिखाया सेकंड सेकंड के बाद थर्ड आपको ये वैरायटी दिखाई, ये थर्ड वैरायटी है हमारे पास, ठीक है ना। ये तकरीबन आ जाती है 25 से 30 किलो का इसका वजन आ जाता है, ठीक है ना। ये इसकी अमाउंट चली आती है 3,000, 2,500, 2,800 इतने की बिकती है हमारी। नॉर्मल मार्केट में इसकी क्या प्राइस है? नॉर्मल, हाँ नॉर्मल मार्केट में अगर आप जाएंगे, इसमें क्वालिटी वाइज जो होती है और भी आती है, लेकिन वो चीज अच्छी नहीं होती। हमारे पास जो होते है कीकर की होती है, जो प्योर कीकर की होती है, जो दोष वाले भी अगर छुट्टी ले लें तो उसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। अगर आप एक दवा ले जाएंगे तो 3-4 सीजन तो आप लाजमी चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। चलो एक बार ले जाए, 3-4 साल जान छुट गया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बुट्टी दिखाते हैं हमारी। बिल्कुल दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा साइज है, ये 50 किलो की मुड्डी है, 50 केजी की मुड्डी है ये, और इससे बड़ी भी आती है हमारे पास। लेकिन सीजन का, हाँ ऑफ सीजन में हम 100, 120 इतने भी वजन की आती है, 70 किलो 80 किलो। लेकिन जो सीजन ऑर्डर देना चाहे ऑर्डर के ऊपर हम उनको भरपूर माल देते हैं। हाँ हाँ भरपूर माल देते हैं हम। 2.5 फीट चौड़ी मुड्डी देते हैं, 2 फुट होती है ये आपके सामने रखी, ये भी कम से कम 2 फुट गुलाई की है। लेकिन क्या है कि ये सीजन के हिसाब से हमने रखी है, लोग सीजन में ले आते हैं, ऑफ सीजन में इससे बड़ी भी होती है। ये 50 केजी वाली जो आपने बताई जी, कितने की पड़ती है? 50 केजी अमूमन इसका हमारा रेट थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा यूँ होता है कि बड़ा माल होता है हमें महंगा आता है, और फिर क्वालिटी भी है, तो उस हिसाब से ये हमारी जो अगर 50 किलो की है तो उसको हम 150 रुपए किलो के हिसाब से उसको बेचते हैं, ठीक है ना। तो इसकी तकरीबन 7,500 रुपए की इसकी प्राइस हो जाती है। ये दुकानदार भी अगर जैसे सीजन के बाद भी चलाएगा तो 4-5 साल तो ये भूल जाएंगे इसमें दोबारा खरीदनी है। अच्छा ये आपसे सिंगल पीस भी परचेज कर सकते हैं, आप कोई ज्यादा पीसेस वालों को ही देते हैं? नहीं नहीं, सिंगल पीस भी आप ले सकते हैं, ज्यादा पीस लेना चाहे ज्यादा पीस भी देते हैं। ज्यादा पीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, अब सिंगल पीस हो जाए उसके अंदर जो हमारा प्राइस फिक्स है उसके मुताबिक दे देते हैं। भाई माशाल्लाह से सारी चीजें तो हम दिखा दी, प्राइस भी बता दी आप, बिल्कुल। और कंपटीशन के बारे में भी बता दिए कि भाई कंपटीशन होगा तो उनसे सस्ता ही मिलेगा आपको हमारे। अपनी शॉप का नाम, अपना नंबर, क्योंकि मुझे आप ऑनलाइन भी आउट ऑफ सिटी आपसे मंगाना चाहे तो आप उसको भी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। आउट ऑफ सिटी हो ये हम ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं। नंबर जो है 2 नंबर डाले हैं। हाँ ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है इसके अंदर, सही। इस पे आप चाहे जैसे आपको के भाई तस्वीर चाहिए और साइज वगैरह हम उस पे उसको मेंशन भी कर देंगे, उनको समझ में आ जाएगी, हम यहाँ से ऑनलाइन भी कर देते हैं उसको। चले हम ईदगाह मार्केट में एक और शॉप पे आ गए हैं, औजार की शॉप पे, जहाँ पे आपको तकरीबन छुरियों की सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो चले भाई से मालूमात लेते हैं इनकी शॉप के बारे में। अलाउद्दीन भाई कैसे हैं आप? ठीक है, कराम है अल्लाह का इनाम। छुरियों की वैरायटी तो आपके पास काफी सारी है, अपनी छुरियों के बारे में बता दें, अपने जायकी बातें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जायकी बातें जब ईद आती है तो जो समझ लें कि जो कसाई होते हैं, जो आर्जी कसाई, उनका रश बढ़ जाता है, और जो शौकिया होते हैं जो साल पे साल करते हैं वो भी आपके पास आते होंगे जरूर। तो चले वैरायटी बताएं, वैरायटी दिखा भी दें और प्राइस भी, जो कि रीजनेबल प्राइस हो, जो देने वाले प्राइस हो वो बता दें, ताकि हमारी व्यूअर्स देख सकें कि भाई यहाँ पे भी एक शॉप है जो कि मजार के करीब है, ईदगाह मार्केट है और मजार के बिल्कुल ही साथ सलाउद्दीन भाई की शॉप है। तो चले वैरायटी दिखाते हैं, वैरायटी स्टार्ट करते हैं और प्राइस बताते हैं। जी सलाउ भाई अपनी वैरायटी दिखाएं। देखें वैरायटी तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन बात यह कि ये जो हमारी ये जो मार्केट है, हमारी जो ये शॉप है, ये माशाल्लाह से कई सालों पुरानी है। जब पाकिस्तान ये तकरीबन कोई अभी समझ ले पाकिस्तान के बनने के तकरीबन 1-2-3 साल के बाद ही जो है ना पहली मार्केट यही हो, सबसे पहली मार्केट यही है, इससे पहले कोई मार्केट नहीं थी। और हमारी जो ये आलम शाह बुखारी बाबा की गली में शॉप है, और जी हाँ बिल्कुल करीब, और जो है आपको यहाँ पे वैरायटी हमारी शॉप पे इस मार्केट में एक से एक अच्छी से अच्छी वैरायटी मिलेगी, यानी कम पैसों में भी मिलेगी और क्वालिटी में, और इससे अच्छी चीज भी आपको मिलेगी। देखिए प्राइसेस की तो बात ऐसी है कि हमारे पास छुरी आपको जो है ना 100 रुपए से लेके और 2,000 रुपए तक भी, लेकिन काम जो है वो 300-400 वाली छुरी भी अच्छा कर देती है, जो है उसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं होती। मैं आपको वैरायटी दिखाता हूँ, देखें जैसे मतलब लोगों के इलाकों में जो सीजन में लग जाती है मार्केट है उससे तो ठीक प्राइसेस। जी हाँ, लेकिन आप जो दूसरी जगह आप क्वालिटी छुरी देखेंगे ना, असल में ये तकरीबन होलसेल में मार्केट चलती है हमारी, तो उसी हिसाब से ये जो शॉप है हमारी, उसके हमें कम से कम पैसे यूँ रखने पड़ते हैं ताकि कस्टमर दोबारा फिर आए। देखें एक वैरायटी ये है,
इसके भी पैसे जो है कम है, और एक वैरायटी जो है ये वाली है, ये इनके भी जो मुनासिब है कम से कम एक वैरायटी ये है। इसमें जो है सारी छुरियां ये आपको ऐसी मिलेंगी कि मतलब कस्टमर लेकर जाएंगे कोई शिकायत वाली बात नहीं। अच्छा भाई, आपने छुरियां तो दिखाई, इनके प्राइस भी बता दें, क्या प्राइस है इसके? देखें इसके जो प्राइस है ना राहत की, ये होती है 12 नंबर की, तो ये आपको जो है ना ये मिलेगी आपको 750 रुपए। जी हाँ, लेकिन ये प्लास्टिक दस्ते में। अच्छा ये आप बता रहे हैं कि 700 रुपए की मिलेगी, 750 है इसमें भी, 750। देखें बताने को तो जो है 900 भी बता दें, 1000 भी बता दें, लेकिन जो एक बिल्कुल कम से कम है वो आपको। सही है। देखिए अभी मैंने आपको राहत की क्वालिटी की छुरी दिखाई थी एक नंबर, अब जो है मैं आपको एमटी की छुरी दिखा रहा हूँ जो बहुत अच्छी और मतलब कामयाब छुरी जा रही है राहत के बाद। ये देखें इसकी अपनी एक क्वालिटी, एक इनका अपना एक अलग मेयार अलग ही। ये देखें, ये देखें ये जो है गाय की जिबा करने की उसकी काम की छुरी है। ये देखिए जी हाँ, और फिर इसकी क्वालिटी, इसका मेयार वो एक अलग ही है। अच्छा इसमें कलर जो है, इसमें तीन कलर है, तीनों आप जो कस्टमर को पसंद आता है वही कलर हम दे देते हैं, बस बस सिर्फ बाकी क्वालिटी में वन है। धार इसकी जो है ना बहुत तेज धार है। जी हाँ, आप ही समझ लें कि इस पे जो है कस्टमर को इतनी परेशानी नहीं और ना ही जानवर को तकलीफ होगी, ये बहुत कामयाब छुरी चल रही है। और प्राइस है, प्राइस जो है इसके वो है तो खैर हम 1800-1900 हम इसके प्राइस कस्टमर को देते हैं, लेकिन हम कस्टमर को ये आखिरी जो है ना ये 1350 रुपए में। जी हाँ, प्राइस भी कम है। जी हाँ प्राइस इससे भी कम है तो नहीं, अब नहीं फिर तो कुछ भी हो जाए कम नहीं, फिर कम नहीं है। ये अभी मैंने आपको एमटी की छुरी दिखाई थी, अब मैं आपको जो एक क्वालिटी और है वो भी बहुत बेहतरीन है, वो है ZBK वालों की, वो भी बहुत, जी हाँ वो भी बहुत शानदार और अच्छी छुरी चल रही है। उसके जो है पैसे वो जरा सी साइज में भी फर्क है, और अपने जो है जिबा के लिए गर्दन काटने के लिए कस्टमर को ये छुरी भी पसंद आती है, ये वाली। ये देखिए, ये ले आप, ये देखिए क्या प्राइस है। देखें इसके जो प्राइस है, इसके प्राइस हैं तो खैर 1100 रुपए, लेकिन ये फाइनल जो है ना बिल्कुल ये मिलेगी 850 रुपए। जी भाई, देखिए ये राहत वालों की छुरी है, इसको कमेलदारी की खाल उदारी की छुरी इसको कहते हैं। इसकी जो क्वालिटी है ये अभी नई क्वालिटी में छुरी आई है, और इसके जो प्राइस है ना वो जो है तो 1300 भी 1400 भी, लेकिन बस आखिरी हमारे पास जो इसके होल सेल के रेट है ना कस्टमर को देने के लिए, उससे इसके रेट है 1000 रुपये। ताकि पता चले अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है। ये देखिए, ये देखो यहाँ पर बहुत तकलीफ चेक करें आप, तो बहुत छोटी सी यूनिक सी है। जी हाँ, लेकिन ये खाल उतारने में मतलब एक खाल उधेड़ देगी है। ये इसकी क्या प्राइस बता रहे थे आप? इसके फाइनल 1000 रुपए। फाइनल 1000 रुपए, और ये मार्केट में कितने की मिल जाएगी? देखिए मार्केट में तो जो है 1300-1400, बस कस्टमर जहाँ आके रुके, बताने को रेट इसके 1400 है, अब 1300 में रुक जाए कस्टमर, 1200 में रुक जाए, मतलब कस्टमर अपने घर के करीब वाली मार्केट छोड़ के आपके पास आएगा तो कोई फायदा तो उसको होगा। तो ये है ना फायदा। जी सलाउद्दीन भाई, और क्या वैरायटी है आपके पास? देखिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी रखी हुई है, और एक से एक बेहतरीन क्वालिटी है। अब जैसे ये 300 रुपए की है इसके रेट, ये जो रेट है ये जवाद वालों की है, इसके रेट 750 रुपए प्लास्टिक दस्ते में। ये उस्मान वालों की है, ये 750 की है। ये जो है टाइगर वालों की, ये जो है 950 की है। ये ब्राज़ील की छुरी मास्कर के लिए, ये जो है 650 की है, 8 नंबर की। 10 नंबर की जो है वो 750 की है।
बाकी अलग अलग क्वालिटी में अलग अलग उसमें रेडो में बाकी खाल वाली छुरी भी बाकी जो है इस वन की है खाल वाली छुरी ये खाल उतारने की ये रेती की है रेती की इसके अंदर जो है जी हाँ ये छुरी जो है इसमें 1200 की भी एक नंबर लोकल जो है वो 250 रुपए की वो बेकार है ये टोके जो है छुरे ये गारंटी शुदा माल होता है हमारे पास वकार नाम की मोर लगी हुई होती है अपने छुरों पे आप लोहा काट के लेके जाए फुल गारंटी है ना मुड़ेगा ना टूटेगा इसमें जो है हमारे पास 800 रुपए का भी है एक किलो का 1.25 किलो का जो है वो तकरीबन 1000 रुपए का है 1.5 किलो का 1200 रुपए का है ऐसे क्वालिटी कैसी है क्वालिटी एक नंबर है इस माम लोग तो खंभों पे मार मार के दिखाते हैं आप किस पे मार के दिखाएंगे अरे खंभे क्या हम तो ये कहते हैं आप ऊंट की हड्डी तोड़े हैं हाँ खंभा तो बहुत खैर खंभा तो एक ही जगह पे खड़ा रहता है ऊंट तो 4 टांगों का होता है आप चारों टांगों पे इस्तेमाल करें बिल्कुल इंशाल्लाह खैर भरोसा तो अल्लाह के उस पर है लेकिन इंशाल्लाह मुतमईन हो के हम कस्टमर को देते हैं देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कस्टमर को हम जो है ना जब तक हम खुद मुतमईन नहीं हो जाते हम अपना छोरा किसी को देते नहीं है ये अपनी दुकान की ये वकार की मोहर लगी हुई है धार भी आप देख लें इस पे इतनी मेहनत नहीं है हाँ खाली आप ले जाएं बस खाली एक आदमी बस आप पत्थर पे भराए नाम ऐसे आप घिसें और छोरा आपका रेडी है और दूसरी क्वालिटी हम कस्टमर को ये दिखाते हैं ये देखिए बिस्मिल्लाह आप ऐसे हाथ लगाएं आप पूरा हाथ लगाएं मतलब सेम क्वालिटी है कहीं बिल्कुल और इसकी गारंटी है उसके बाद भी हम कस्टमर को गारंटी देते हैं कि अगर कोई बात हो कोई शिकायत हो आप ईद के बाद आए हम आपसे कोई पैसा पाई नहीं लेंगे हम आपको बना कर दे देंगे चलें अच्छा ये जो आपने दिखाई है इसकी क्या प्राइस है देखें इसके जो प्राइस है ना ये आपको तकरीबन 1400 रुपए से कम नहीं मिलेगा सही है ठीक है ये भारी है इसका वेट होगा तकरीबन कोई 1.5 किलो के से तकरीबन होगा देखें इसकी फिनिशिंग है क्वालिटी है इसकी बाकी तो जो है छुरा अगर आप हल्की क्वालिटी का लेंगे तो वो तो आपको 1000 का भी लेकिन फिर वो कोई फायदा नहीं है इसमें खूबसूरती है बनावट है इसकी ये जो बाल जाए और 3-4 साल भूल जाए नहीं नहीं तकरीबन आप 15-20 साल भूल जाए ये वो चीज नहीं है जी आप भी इससे कुर्बानी करें आपके बच्चे भी इससे बिल्कुल रौदीन भाई माशाल्लाह से वैरायटी तो सारी दिखाती है मगर कुछ वैरायटी काफी रह गई है तो जो शॉप पे आने वाले होंगे उनको कांटेक्ट नंबर दे दे अपना ताकि वो आसानी से आ सके और आपकी दुकान शॉप ढूंढ सके देखिए अपना जो कांटेक्ट नंबर है ना ये अपना जो है एम ए जीना रोड जामा कॉल मार्केट नज़्द आलम शाह बुखारी बाबा मज़ार वाली गली सही है इसके अंदर लोहार मार्केट बराबर वाली गली में शॉप नंबर जो है अपनी जो है दूसरी शॉप नंबर है उल्टे हाथ की पहली शॉप नंबर है और जो है सलाउद्दीन मशहूर दुकान है सलाउद्दीन और जो है वकार जो है अपना एक स्टैंड 0315025271 बहुत शुक्रिया